और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो BS4 बाइक्स लेने की सोच रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि BS4 बाइक्स की जो बेचने की डेडलाइन थी वो थी 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च के बाद आप अगर BS4 बाइक्स ले भी लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के कारण इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है और इस दौरान पूरा भारत बंद है और शोरूम्स भी नहीं खुल रहे हैं, इसलिए BS4 बाइक्स अभी तक सेल नहीं हुई है। और दोस्तों, अराउंड 7 लाख टू व्हीलर BS4 बाइक्स वैसी की वैसी ही खड़ी है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ टू व्हीलर्स के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा चैनल है वो बाइक्स के ऊपर बेस्ड है और ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स मुझसे बाइक्स के लिए ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुझसे जुड़े हैं। तो यहाँ पर फाटा ग्रुप ने, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि उनके पास 5,000 करोड़ का अनसोल्ड BS4 स्टॉक रखा हुआ है और उन्होंने ये बोला कि आप हमारी कुछ हेल्प कीजिए, नहीं तो हमको इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है कि किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहिए और उन्होंने कंपनी को कुछ ऑर्डर्स दिए हैं जिसको इनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, BS4 बाइक्स की जो सेल डेट थी वो थी 31 मार्च, लेकिन अब वो बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर 14 अप्रैल को लॉकडाउन हट जाता है तो उनके पास 10 दिन रहेंगे BS4 बाइक्स को बेचने के लिए और 10 दिनों के अंदर जो भी लोग बाइक्स को खरीदेंगे उनको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप सिर्फ 10% ही अपना स्टॉक बेच सकते हो 100% में से। मान लीजिए कंपनी के पास अराउंड 7 लाख अनसोल्ड BS4 स्टॉक्स हैं तो वो उसमें से सिर्फ 10% गाड़ियां ही बेच सकते हैं, मतलब 70,000 गाड़ियां ही बिक पाएंगी और 6,30,000 गाड़ियां कंपनी को अपने पास रखना पड़ेगा। तो यहां पर कंपनी को भी यहां पर लॉस हो रहा है और जो लोग दिल्ली से हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप 10% गाड़ियां तो बेच सकते हो लेकिन आप दिल्ली NCR में नहीं बेच पाओगे, मतलब दिल्ली में आप BS4 बाइक्स नहीं बेचोगे। आप ओवरऑल इंडिया में बेच सकते हो लेकिन आप दिल्ली में नहीं बेचोगे। तो दोस्तों, यहां एक कारण इसलिए ये हो सकता है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है और इसलिए उन्होंने BS4 बाइक्स बेचने की दिल्ली में परमिशन नहीं दी है। 31 मार्च तक जो गाड़ियां दिल्ली में बिक चुकी हैं BS4 वेरिएंट की, वो बिक चुकी हैं, अब उसके बाद वो वहां पे BS4 बाइक्स नहीं खरीद सकते। अब दोस्तों, यहां पर शोरूम डीलर्स को भी लॉस फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये 10% BS4 बाइक बेचने का रूल शोरूम डीलर्स पर भी लागू होता है। मान लीजिए हीरो शोरूम है, उसके पास 100 BS4 बाइक्स खड़ी है और अगर वो 10% उनका बेचेगा तो वो सिर्फ 100 में से 10 गाड़ियां ही बेच पाएगा, बाकी की 90 गाड़ियां उसके पास वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर वो ऐसा कर सकते हैं, बची हुई गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा कर उसको सेकंड ओनर करके बेच सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भी उनको लॉस फेस करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो सेकंड ओनर करके बाइक बेचेंगे तो 10 से 20 हज़ार का डिस्काउंट उनको देना पड़ेगा और अगर 50,000 की बाइक हुई और उसमें भी वो 10 से 20 हज़ार का डिस्काउंट करेंगे तो उनको 20,000 का लॉस फेस करना होगा। तो सीधी सी बात है, डीलर्स को भी यहाँ नुकसान हो, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको कम प्राइस में ही BS4 बाइक्स मिल जाएगी। बाकी देखते हैं कि शोरूम्स वाले और क्या क्या करते हैं, लेकिन आपको नए नए ऑफर्स देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन दिल्ली NCR वालों के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है क्योंकि उनको अब BS4 बाइक्स अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों, अगर आपको BS4 बाइक से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा तो जाओ, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो और अगर आपको वहां पर भी मुझसे कुछ सवाल जवाब पूछना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।